आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला ओट्स। तो सबसे पहले हम कुकर में तेल लेंगे। तेल गर्म होने पर राई, जीरा और हींग का तड़का लगाएंगे और सबसे पहले हम फिर गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे एक बार। और इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए कांदा डाल देंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, टमाटर एक डालेंगे कट किया हुआ, हल्दी, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला और इसे हम अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम लौकी बारीक कट की हुई डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसे 2 से 3 बार चलाएंगे। और इसमें हमने तेल काफ़ी कम डाला है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। और इसके बाद हम 1 कटोरी ओट्स डाल देंगे। ओट्स के साथ हम 2 से 3 बार चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे इसे हम अच्छी तरह, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। ओट्स में पानी काफ़ी लगता है और इसे अच्छी तरह एक बार चलाएंगे और हम इसे 2 से 3 सीटी लगा देंगे। इसके बाद 2 से 3 सीटी आने के बाद हम गैस बंद करके इसे यूँ ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम कुकर खोलेंगे और हमें इसे एक बार वापस से उबालना है। कुकर की सीटी खोलने के बाद, एक उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इस पर ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और एक बार चलाएंगे। और ये रेसिपी, हमारी ओट्स की रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा और यूरिक एसिड भी कंट्रोल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।